तो कैसे हो मेरे सारे भाई, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में यार मैंने जिस लड़की से बात किया है, इससे बात की शुरुआत ऐसे हुई थी कि ये लड़की जो है इसने फुटबॉल की एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट थी उसके नीचे कमेंट किया हुआ था और उसके नीचे काफी सारे लड़कों का भी कमेंट था। तो भाई मुझे लगा कि ये लड़की फुटबॉल खेलती है और भाई तुम्हारा फुटबॉल का दीवाना, मुझे लगा कि इस लड़की को ना मैसेज करना चाहिए, इसे पूछना चाहिए कि क्या ये फुटबॉल खेलती है। तो मैंने इसे मैसेज कर दिया डायरेक्टली। लग बाय चांस इसका रिप्लाई आया, बट इसका रिप्लाई थोड़ा अलग है, इसने बोला नो। तो फिर क्या हुआ देखिए, मैंने आगे कैसे बात बढ़ाई। मैंने इसे फर्स्ट मैसेज ये किया कि डू यू प्ले फुटबॉल, इसने बोला नो। मैंने बोला मैंने एक पोस्ट देखा था आपने, उस पे कमेंट करा हुआ था तो मुझे लगा खेलते होंगे, उसके नीचे किसी ने लिखा हुआ था गुड नॉलेज, इसने बोला आई डोंट रिमेम्बर। भाई लड़की थोड़ा देखिए कैसे कटपटे अटपटे जवाब दे रही है, कैसे जैसे इसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। तो फिर मैंने बात को थोड़ा कंटिन्यू करने के लिए इसे बोला बाय द वे वेयर डू यू लिव, इसने बोला हिमाचल। एंड यू, मुझे देखकर ही लग रहा था कि लाल सेब हिमाचल का ही होगा, आई एम फ्रॉम दिल्ली। अब देख रहे हो भाई हिमाचल, उसने कुछ क्रिएटिविटी लाओ ना अपने टेक्स्ट में, क्रिएटिविटी लाओगे तो मजा आएगा। हिमाचल का क्या फेमस है, एप्पल बोल दो, खूबसूरती से खूबसूरती को रिलेट करो, बात खत्म, ठीक है। तो इसने भी थोड़ी क्रिएटिविटी दिखाई और इसने बोला ओके, इफ आई एम एप्पल तो आप क्या दिल्ली के भटूरे हो। अब भाई लड़की बेइज्जती करने की कोशिश कर रही है, बट मैंने इसे फिर बोला आपको पसंद है क्या भटूरे, ये कोई पूछने की बात हुई। मैंने कहा हाँ, फिर मैं दिल्ली का भटूरा, इसने बोला वेरी फनी। फनी से एक क्वेश्चन याद आया, पूछूं बात को खींच कैसे रहा हूं मैं, देखो अब यहाँ पर इसने बोला वेरी फनी, आप क्या बोलते इसके आगे, इसके आगे आपके पास कोई वो नहीं होता, क्या क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, क्या बोलते आप इसे आगे बात को कंटिन्यू करने के लिए। पर मैंने कंटिन्यू करने के लिए इसे बोला एक क्वेश्चन पूछने के लिए कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, पूछूं। तो इसने बोला बोलो। मैंने बोला जापानीज लोग बनाना खाने के बाद छिलके का क्या करते हैं। तो बड़ा मजेदार क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्यूरियोसिटी बनेगी लड़की को कि हाँ भाई क्या करते होंगे जापानीज लोग, ऐसे कुछ अलग करते होंगे। इसने बोला मेरे को क्या पता, मैंने बोला फेंक देते हैं। तो इसने बोला हाँ हाँ पीजे। एक और क्वेश्चन है रिया जी, बड़ा मस्त है। इसने बोला बोलो। अगर अगर आपको कमरे में बंद कर दें तो सब लोग क्या कहें, अगर आपको कमरे में बंद कर दें तो सब लोग क्या कहेंगे। डिफिकल्ट क्वेश्चन है, संभल कर जवाब देना, 300 करोड़ का क्वेश्चन, मैं तो हार गई 300 करोड़। आंसर क्या है, मैंने बोला बता दूं, अब क्यूरियोसिटी बना रहा हूं मैं, लड़की को उतावला करना है, तड़पाना है, थोड़ा तड़पाओगे जितना उतना मजा आएगा। इसने बोला हाँ। मैंने बोला बुरा तो नहीं मानोगे, इसने बोला किस लिए का आंसर का। इसने बोला अरे बोलो। मैंने बोला बंद रिया। समझे, अगर रिया को कमरे में बंद कर दोगे तो उसे लोग क्या बुलाएंगे, बंद रिया। डैम बड़ा सा गंदा था, पर फिर भी लड़की के सामने चलता है, पीजे पीजे लड़कियों को पसंद आते हैं। अब जिसने पहले बोला था वेरी फनी, तो मैंने भी उसको उल्टा जवाब दिया, मैंने बोला वेरी फनी, फिर उसका रिप्लाई नहीं आया था कोई। फिर मैंने बोला अरे बुरा मान गया क्या, इसने बोला हाँ। तो मैंने बोला मैं क्या करूँ, अच्छा सुनो। इसने बोला बोलो। मजाक था यार, टिका चल पे, ऐसे मस्त जोक कभी सुनाया है किसी ने तुम्हें, इसने बोला। अब भाई देखो ये भी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही है, इसने बोला कभी कोई जोकर मिला ही नहीं। मैंने बोला आप कहो हम ऐसे ही जोकर बन जाए और आपको हंसाते रहे। इसने बोला क्यों, गर्लफ्रेंड नहीं है। गर्लफ्रेंड, ये किस प्राणी का नाम है देवी। इसने बोला वो देखो तो शरीफ, टेस्ट कर लो यार, यकीन नहीं होता तो। इसने बोला वो कैसे करते हैं, आप मुझे आई लव यू बोलो, अगर मैंने वापस आई लव यू टू बोला तो मतलब नहीं, और अगर होगी तो मैं नहीं बोलूँगा। अच्छा, इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं, फिर कितनी हूँ। फिर मैंने बोला सच में नहीं है यार कोई गर्लफ्रेंड, मुझे हिमाचल की लड़कियाँ बहुत पसंद है, अपनी किसी फ्रेंड से बात करवा दो। अब भाई देखो, अब यहाँ पे मैंने दिखाया कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, मुझे पर हिमाचल की लड़कियाँ पसंद है, कोई अपनी दोस्त वोस्त हो, मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, तो अपनी सेटिंग वेटिंग करा दो भाई। अब इनडायरेक्टली जब लड़की को तुम ये बताओगे ना कि हाँ तुम ठीक हो बट तुम्हारे कोई दोस्त वोस्त हो तो मज़ा आ जाएगा, तो उसे बताओ कि तुम्हें कम इंटरेस्ट है, तुम्हें थोड़ा थोड़ा शो भी करो और थोड़ा थोड़ा नहीं भी करो, पूरा उसके पीछे उतावला नहीं हो जाना। कभी कभार उतावले वाली ट्रिक भी काम करती है, कभी कभार बिल्कुल चेप वाली भी करती है, कभी कभार बिल्कुल इग्नोर वाली भी करती है। तुम्हें पता करना पड़ेगा कि लड़की का नेचर कैसा है, कैसा मतलब उसे क्या पसंद आएगा। ये तो मैंने लक से खेला है कि हाँ भाई शायद इसे थोड़ा इग्नोर करूँगा तो शायद पसंद आएगा, और हर लड़की को पसंद आता है यार। दो लड़कियाँ हैं, अगर तुम्हें उस एक लड़की को छोड़ के दूसरी लड़की को खूबसूरत बोलोगे तो दूसरी वाली जलेगी, पक्का जलेगी, जलेगी ना यार। तो इसने बोला मेरी बहुत कम फ्रेंड्स हैं और किसी को इन सब काम में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने बोला आप तो अपना रास्ता बना रहे हो ताकि मैं किसी और से फ्रेंडशिप ना कर लूँ। इसने बोला जिससे भी करनी है करो, मुझे क्या। मैंने बोला इंसान से इंसान की बात होनी चाहिए बस, इश्क मोहब्बत तो फिजूल की बातें हैं। ओ बड़ी नॉलेज है, पता नहीं कैसे लिखती हैं यार ये लड़कियाँ, क्या लैंग्वेज है, ओ बड़ी नॉलेज है। मैंने बोला हाँ, घमंड नहीं किया कभी, आपका तो होगा बॉयफ्रेंड, मेरा गर्ल स्कूल है और मैं किसी लड़के से बात नहीं करती, मैं पसंद आ गया क्या आपको जो मुझसे कर रहे हो, आप पागल हो क्या। मैंने बोला पागल की क्या बात है इसमें।
अरे हेलो, क्या हुआ? कहीं मेरे ख्यालों में तो नहीं खो गए? अब भाई इसका रिप्लाई अगले दिन आया और इसने बोला पागल। और उसके बाद भाई मैं 2-3 दिन गायब हो गया था, मैं इसे रिप्लाई नहीं कर पाया। मैंने इसे बोला हेलो, बट इसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं चाहता तो इसे थोड़ा बहुत फोर्स करके रिप्लाई ला सकता था, बट मैंने अभी इसे मैसेज नहीं किया। अगर आप चाहो कि मैं इससे आगे बात करूं तो कमेंट में यस से लिखो और बताओ मेरे को कि अगर मैं इससे आगे बात करूं और उसे अगर इसका रिप्लाई आ गया तो मैं आगे सेट वेट करके आपको दिखा सकता हूँ। इसे बहुत आराम से सेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इससे बात क्योंकि स्टार्ट हो चुकी है, बड़ी मक्खन बात स्टार्ट हो चुकी है। हिमाचल मेरा जाना वाना होगा नहीं, तो मैं चाहता नहीं इससे ज़्यादा बात करना। बात तो कर ली है, चलो देखते हैं। अगर आपको चाहिए इसके नेक्स्ट वीडियो तो मुझे बताओ यार, अभी तक इसका रिप्लाई तो आया नहीं। वो कर सकता हूँ मैं थोड़ा फोर्स वोर्स करके इससे रिप्लाई लेके इस दोबारा बातचीत स्टार्ट कर सकता हूँ। लड़की इंटरेस्टेड है, देखो। लेट्स मीट इन द न्यू वीडियो। टाटा।